जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण 4 सर्वोच्च अदालत में हवे आपणे नर्मदा डेम विषे जोई गया अने आ रीते तेमना मूलभूत अधिकारों भंग थशे नहीं तेवो सरकारे चुकादो पण आप्यो हतो। हवे आपणे आगळ जोईए तो न्यायतंत्र स्वतंत्र केम? तो धारो कि एक ताकतवर व्यक्ति तमारा परिवार की जमीन पर कब्जो करी लीधो होय, तमे एक एवी व्यवस्था में रहो छो ज्यां व्यक्तिओ कोई न्यायाधीश ने तेना पद पर थी हटावी शके छे अथवा तेनी बदली पण करावी शके छे। ज्यारे तमे आ मामला ने अदालत में लई जाओ त्यारे न्यायाधीश पण तेनी हिमायत करता जोवा मळे अने ताकतवर व्यक्तिनु न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहे तो न्यायाधीश ए स्वतंत्र रूप थी कोई पण निर्णय लई शके नहीं। अने तेथी ज आपणे जोईए तो स्वतंत्रतानो आ अभाव ए न्यायाधीशने ए वात माटे मजबूर करी दे छे कि तेने हमेशा ताकतवर व्यक्तिनी शुं करे छे तरफेणमां ज फैसलो आपवो पड़े, परंतु भारतीय बंधारण ए आ प्रकारनी दखलगिरी पसंद करतुं नथी। आथी आपणा बंधारणमां न्यायतंत्रने कारोबारी अने धारासभाथी स्वतंत्र राखवामां आव्युं छे। आथी एकवार तमे वडी अदालत अने सर्वोच्च अदालतना न्यायाधीशोनी नियुक्ति थई गया पछी कोई न्यायाधीशने तेमना पद परथी हटाववा घणा ज मुश्किल होय छे। जो कोई व्यक्तिने एम लागे कि तेना मूलभूत अधिकारोनुं उल्लंघन थई रह्युं छे तो ते अदालतमां जई शके छे। विद्यार्थी मित्रों, न्यायतंत्र ए कारोबारी अने धारासभाथी स्वतंत्र न होय तो न्यायाधीशों पर प्रधानों अमलदारों के धारासभ्योनी वगनो उपयोग थवानी शक्यता रहे छे। जो आम बने तो विद्यार्थी मित्रों न्यायाधीशों ए निष्पक्षपणे न्याय आपी शके नहीं अने न्यायाधीशों निर्भय रीते अने कशा पक्षपात विना तटस्थ रीते न्याय आपी शके ते माटे ज न्यायतंत्र ए कारोबारी अने धारासभ्यथी अलग राखवू जोईए अने ते माटे ज न्यायतंत्र स्वतंत्र होवू जोईए।